हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए मंथली प्रिडक्शन करेंगे, जो यानी कि जो मई महीने के लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लियो, जो आपका मई महीना कैसा जाएगा। लियो राशि लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि ये जो ओवरऑल ये जो मंथ का मई का महीना है वो कैसा रहने वाला है। इसमें फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो उस बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप कन्फ्यूज्ड हैं, किसी चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चीज़ें जितनी भी हैं उसमें आपको मतलब कह सकते हैं सब्र नहीं है, यानी कि बेचैनी से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको और कुछ भी चाहिए। तो ये सेवन ऑफ द कप्स पेंटिकल्स का कार्ड था। तो आपके जो महीने की शुरुआत है, हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिससे आप बेचैन बेकरार रहे हैं। आपके हाथ से चीज़ चली गई है, जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका था वो आपके हाथ से निकल गया है। और आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही चीज़ वापस चाहिए जो आपके पास नहीं है, जो आपके हाथ से जा चुकी है। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको और अपॉर्चुनिटी और मौका भी दे रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है। लेकिन आपने इस तरह की एनर्जी आपकी महीने की स्टार्टिंग में शुरू होती दिखाई दी है, लेकिन धीरे धीरे करके आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे, और परेशानी में और दुविधा में आप नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके आप अगर आगे बढ़ेंगे या फिर नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं 10 से 11 तारीख के बाद धीरे धीरे करके 10 से 20 तारीख के बीच में जो है अपॉर्चुनिटी आपकी फिर से आपको या तो नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको बहुत प्यार करने वाला है। जो अगर मतलब ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो जो महीने की शुरुआत यानी कि 6 से 7 तारीख तक कह सकते हैं, 10 से 11 तारीख तक धीरे धीरे करके आप कन्फ्यूज़न में, परेशानी में, दिक्कत में दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे। अगर यूनिवर्सिटी आपको और अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ आपको एक नया लवर, नया प्रेमी के रूप में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है, जहाँ भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें एक दूसरे की भावनाओं के समझेंगे, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाइए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाइए, यानी कि बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर उसके एनर्जी के साथ आप चलेंगे तो आपका ये रिश्ता जो है धीरे धीरे करके सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होता दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में काफ़ी अच्छा रिश्ता, अच्छा प्यार, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई दे रही है। और ये आपका अगर आप जॉब या बिजनेस में थे, अगर आपका जॉब आपके हाथ से चली गई है तो उसके लिए कन्फ्यूज़न में मत रहिए, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ कोशिश कीजिए। अगर वहाँ कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जो बिजनेस आपका रुक चुका है वो आगे बढ़ेगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल एनर्जी के साथ जाइए, और फीमेल हैं तो मेल एनर्जी के साथ जाइए। ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके जो है जहाँ जिसके साथ मिलकर आप काम करते हैं वहाँ आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर अगर आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या स्टूडेंट लाइफ
में हैं आप, तो जहाँ जिस चीज़ में भी आपको अड़चन आ रही है वहाँ अगर आप मेल जोल बना कर चलेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे करके आपकी जो परेशानी जो दुविधा थी वो ख़त्म होगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, लेकिन मिड महीने में जाकर फिर से मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप उसे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। जो महीने की शुरुआत थी आपकी, जो कन्फ्यूज़न जो परेशानी थी वहाँ आपके भाग्य ने आपका साथ दिया, लक यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं कि आपको पहले जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए या लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए। तो आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। मिड मंथ में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज, जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपका जो मिड मंथ है वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रह सकता है। डिसाइड कीजिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट करेंगे वही आपके लिए फ़ायदा देगी, और थोड़ा सा अपना पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत को दर्शाता है, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जो आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो उससे क्या है ना, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर लव लाइफ में हैं, तो वहाँ धीरे धीरे करके वहाँ कड़वाहट आती है, रिश्तों में दरार आती है। तो आप मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, चीज़ों को यूज़ कीजिए बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, और अपने मन में ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ पहले जाना है, जॉब बिजनेस की तरफ या लव लाइफ की तरफ। जहाँ भी आप कदम बढ़ाएंगे वहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और धीरे धीरे करके मन के महीने का एंड आपका अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप डिटैच ना होकर, कोल्ड ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, या जो आपके बॉस हैं, क्लीग हैं, कोई रिश्तेदार है कोई, या फिर लव लाइफ में अगर आप हैं तो जिस अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, निष्पक्ष भावना से क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर हर चीज़ के बारे में आमने सामने बातें करते हैं, तो जो है महीने के एंड में भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा क्या है कि जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम रही है उन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, और धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी आपका साथ देने आ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो अपनी एडिक्शन को छोड़िए, लस्ट को छोड़िए, उन चीज़ों को छोड़िए जो आपको परेशान कर रही हैं, जिस उलझन में आप हैं उन चीज़ों को छोड़िए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। जो यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, और आपके जो जो जिस काम में आपको तरक्की नहीं मिल रही थी वहाँ आप आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, और जॉब बिजनेस एडवेंचर, पढ़ाई, जहाँ आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे या आप कहाँ मतलब स्टडी करना चाहते थे, जहाँ भी आपको दिक्कतें आ रही थी वही दिक्कतें आपकी शॉर्ट आउट होंगी महीने के एंड में, यानी कि 20 या 22 तारीख के बाद धीरे धीरे भाग्य आपके साथ होगा, और जो आप मिड मंथ तक भी उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप कन्फ्यूज़न में थे, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो वहाँ बैलेंस बनेगा और धीरे धीरे करके आप उस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, और महीने का एंड आपका अच्छा होगा। यानी कि महीने के मिड में ही अगर आप अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, और ये भी एक अच्छा, जैसे अब इसको अगर हम देखते हैं तो वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है लव लाइफ भी काफ़ी स्टेबल हो सकती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी अच्छी जा सकती है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि जो लियो राशि वालों के लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं,
क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनका मई महीना कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए कि उनका ये महीना कैसा रहेगा। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, डोंट लेट प्राइड गेट इन यूर वे, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ए टाइम फॉर हीलिंग। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप कन्फ्यूज हैं, परेशान हैं, उसमें अगर आप हील करते हैं अपने आप को, तो आपके अंतर आत्मा से आपकी जो गट फीलिंग है वो आपका साथ देगी। यानी कि आपकी अंतरात्मा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, ये अच्छा सॉल्यूशन देगी कि आपको जो है, और जो लव लाइफ के का जो ये आया था कार्ड, तो इसमें आपका एक नया रोमांटिक समय शुरू हो सकता है। एक अच्छे कपल के लिए, एक नए जोड़े के लिए एक नया मौका मिल सकता है, नया रिश्ता बन सकता है। अगर आप पहले से रिश्ते में थे, कुछ अनबन चली हुई थी, तो वहाँ आपका एक अच्छा समय आ सकता है, फिर से एक नया नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनती दिखाई दे रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और अगर आप ऑलरेडी पहले से रिश्ते में थे तो वहाँ आपके रिश्तों में सुधार आ सकता है। आप लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने अहम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, गुस्से को छोड़ दीजिए, अहम को छोड़ दीजिए, अहंकार मत कीजिए। अपने रास्ते में अगर आप अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उससे बात नहीं करता, उससे बात नहीं करती, मैं उस जॉब पर, उस बिजनेस पर दोबारा से नहीं जाऊंगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, समझौता कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए। अगर आप एक दूसरे से बातें करते हैं, समझौता करते हैं, अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और आगे बढ़ते हैं, तो आपका नया अच्छा समय धीरे धीरे करके शुरू होगा और फिर से ये महीना आपके लिए खुशियों भरा हो सकता है। तो ये था आपके मई के लिए गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।